खबर आ रही है बड़ी केरल से। आपको बता दें कि सबरीमाला मंदिर में दो महिलाओं के प्रवेश करने के बाद हिंदू संगठन और बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। तिरुवनंतपुरम में सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, इसमें बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं सबरीमाला मंदिर को शुद्धिकरण के लिए बंद कर दिया गया, तो विरोध लगातार इस बात का हो रहा था फैसले के बाद से ही, और आज भी जब महिलाओं ने प्रवेश किया है तो उसके बाद विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हमारे संवाददाता जयपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपाल, हालांकि उम्मीद पहले ही की जा रही थी कि महिलाओं ने प्रवेश तो कर लिया, दर्शन भी कर लिए, विरोध भी होगा, शुद्धिकरण भी हुआ है बंद करके कपाट मंदिर के, और अब विरोध प्रदर्शन। जी बिल्कुल, जैसे कि ये उम्मीद जताई जा रही थी, हालांकि राज्य सरकार ने अपनी तरफ से एक तरह से एक कामयाबी हासिल की है कि वो दो महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत मंदिर के अंदर पहुंचा पाने में कामयाब रही। दोनों गर्भगृह में गई और वहां जाकर उन्होंने पूजा अर्चना भी की, लेकिन जब इस बात की का खुलासा हुआ तो महिलाएं इसके अंदर में प्रवेश कर गई हैं, तो उसके तुरंत बाद जो है मंदिर के द्वार को फिर एक बार बंद किया गया, उसका शुद्धिकरण किया गया और उसके बाद ही उन्हें जो है दर्शन के लिए खोला जाएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि हिंदूवादी संगठन जो है वो उनको एक मौका मिल गया है, वो राज्य सरकार को इस पूरे मामले पर दोषी ठहरा रहे हैं और इसी को लेकर के पूरे केरल में लगभग एक तरह से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। जगह जगह सड़कों को बंद किया जा रहा है, ट्रैफिक को रोका जा रहा है और लगातार विरोध में नारेबाजी हो रही है, जो कि अय्यप्पा टेम्पल स्वामी के देख रेख के लिए मुजराई मिनिस्टर जिनको कहते हैं ये सुरेंद्र, उनको भी काले झंडे दिखाए गए हैं और हिंदू संगठन उन्होंने कल जो है केरल बंद का भी आह्वान किया है। तो एक तरह से एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन तो जरूर हुआ है, लेकिन हाँ केरल के अंदर में अभी यह विरोध जारी है और उम्मीद की जानी चाहिए कि यह संघर्ष अभी चलेगा, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर इस मामले की सुनवाई होनी है। जाहिर है कि राज्य सरकार भी अपनी तरफ से महिलाओं को प्रवेश करा करके वो कोर्ट के सामने में कम से कम जेल तह पाने में कामयाब होगी कि उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया, लेकिन दूसरी तरफ विरोध भी है। तो अब देखना होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को किस तरह से नए सिरे से देखता है, सुनता है। फिलहाल ये संघर्ष जारी रहने की पूरी उम्मीद की जा रही है। कोर्ट के फैसले का पालन हो गया है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर प्रदर्शनों का जो दौर है वो जारी है और कल केरल बंद की भी बात अब की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका जयपाल ये तमाम डिटेल्स के लिए। तो सबरीमाला मंदिर में दो महिलाओं ने आज सुबह प्रवेश किया है 3:45 पर, लेकिन उसके बाद से ही अब यहां पर हिंदू संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया है और अब इसे लेकर वो सड़कों पर भी उतर गए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन के लिए अब ये यहां पर एक और चुनौती हो जाएगी, चूंकि पुलिस ने पहले ही कहा था कि हम पूरी सुरक्षा मुहैया कराएंगे महिलाओं को, और आज सुबह भी पुलिस प्रशासन उन दोनों महिलाओं के साथ था जिन्होंने मंदिर में दर्शन किए। लेकिन अब जो इस बात का विरोध फैसले के दिन से ही कर रहे हैं वो एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं और उनका ये भी कहना है कि ये किसी भी सूरत में उन्हें मंजूर नहीं होगा। तो सबरीमाला मंदिर में दो महिलाओं ने प्रवेश कर पूजा अर्चना करने का दावा किया, ये मामला आस्था से जुड़ा हुआ है। जाहिर है विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। इससे पहले नए साल के पहले दिन अपने पहले इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबरीमाला विवाद पर भी अपना रुख साफ किया था। क्या कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आइए सुनते हैं। भारत इस मत का है और भारत स्वभाव से इस मत का है कि सभी को समान हक मिलना चाहिए। हिंदुस्तान में कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिसके मंदिर की अपनी मान्यता है एक छोटे से दायरे में कि भाई यहाँ पुरुष नहीं जा सकते और पुरुष नहीं जाते हैं। कुछ मंदिर हैं जहाँ ये है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो महिला जज का जजमेंट है उसको बारीकी से पढ़ने की जरूरत है। इसको किसी राजनीतिक दल को एट्रीब्यूट करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने एक महिला के नाते भी समस्या को देख करके उसके सुझाव दिए हैं, कभी न कभी उस पर भी चर्चा होनी चाहिए।